देखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये मतलब मुझसे बहुत दूर है। ये फिल्म का नाम है अक्टूबर, क्यों अक्टूबर नाम है बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता है फिल्म में। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, इसमें ह्यूमर भी बहुत है और ऐसी चीजें हैं जो आपको हंसाई भी दी, ऐसी चीजें हैं जो आपको रुलाई भी थोड़ा। और ओवरऑल आई थिंक ये एक फिल्म है जो एक स्टोरी है जो सुजीत सर के पर्सनल लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, जो उनके जिंदगी में हुआ था। थ्रिलर बिल्कुल नहीं है, पहले बताता हूँ, थ्रिलर बिल्कुल नहीं है। एक दो चीजें हैं जो सिर्फ आपको लोग दिखाएंगे जो आप फिल्म में एक्सपीरियंस की। आपकी मूवी लास्ट मूवी सुपर डुपर हिट थी, इससे कितना उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो हमेशा वही रहता है कि अच्छी करें फिल्म, बट पैसे से ज़्यादा ये फिल्म में मेरी ये उम्मीद है कि ये लोगों के दिल से जुड़े और कहीं ना कहीं जब ये लोग फिल्म ये देखें तो उन्हें एक कोई सीख मिले, क्योंकि एक मॉरल है सुजीता की फिल्म में, हमेशा एक मॉरल रहता है जो मॉरल अक्टूबर में। सुजीता पिंक से एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज सोसाइटी को गया था, इस फिल्म में आपको क्या लग रहा है किस तरह का मैसेज ये फिल्म देगी? हालांकि आप बहुत कुछ डाइवल्ज नहीं कर रहे हैं इसके डिटेल्स, लेकिन क्या मैसेज मिलेगा सोसाइटी को? देखिए मैं मैसेज के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ कि दो घंटे किसी को बिठा के रखूँ, मेरी एक कहानी जो मैं बोलना चाहता हूँ और वो दो घंटे चुपचाप बैठ जाए हॉल में। तो मेरी पूरी कोशिश वही रहती है कि मैं किसी तरह से एक ऑडियंस को एंगेज करूं, मैं जो कहानी बोलना चाहता हूं मेरी तरह से। सो मेरे और मैसेज जो है वो अगर वो घर ले जाते हैं साथ में तो ये मेरे लिए बोनस होता है, लेकिन मैसेज के लिए मैं फिल्म बिल्कुल नहीं बनाता हूं, मैं एक अच्छा कहानी बोलना चाहता हूं। अक्टूबर भी एक ऐसा अनयूजुअल सा नया कहानी है, आउट ऑफ द बॉक्स कहानी है, मेरी हर कहानी कुछ अलग सी होती है, वेरी रेगुलर कन्वेंशनल नहीं होती है। सो ये भी एक अनकन्वेंशनल स्टोरी है। पीकू में मैं बहुत लकी रहा कि मुझे लगा था कि कॉन्स्टिपेशन जैसी फिल्म कभी हिट हो ही नहीं सकती है हिंदुस्तान में, लेकिन हो गई। विकी डोनर भी हो गई, वो भी मैं लकी था। मुझे लगा था पिंक भी कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन वो भी हो गया। मुझे लगता है शायद अगर ये भी एक फिल्म है जो शायद लोगों को पसंद आए, क्योंकि एक बहुत ही डेलिकेट इमोशंस को ये टच करती है और एक बहुत सी डेलिकेट सी कहानी है। फिल्म एक कविता की तरह है, इट्स लाइक अ पोएट्री, आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। जब पहले ट्रेलर लॉन्च किया था तो दादा ने बहुत अच्छी तरह बोला था कि आपको जो दुनिया हम लोग दिखा रहे हैं अक्टूबर में, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आके फिल्म देखिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम अगली बार ट्राई करेंगे। और इस फिल्म आज आपने 4DX का उद्घाटन किया, रिबन काटा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये दिल्ली का फर्स्ट 4DX थिएटर है। मैंने लंदन में एक्सपीरियंस किया था एक बार फिल्म देखी, और अभी यहाँ पे सीट्स पे बैठ के हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो बहुत ब्यूटीफुल था। इनफैक्ट जब अक्टूबर का ट्रेलर भी चढ़ा तो जब बाइक का शॉट जाता है ब्रीज के साथ तो एक हल्की सी ब्रीज भी आई, तो आई थिंक इट वाज प्रीटी कूल। सुजीता ये भी 4DX का ये एक्सपीरियंस मिलेगा अहेड इन द फ्यूचर। सुजीता ये फील अक्टूबर ही क्यों है, ये फील नवंबर दिसंबर क्यों नहीं है? मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अक्टूबर के साथ फिल्म में कुछ खास चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो इस अक्टूबर महीना, हम लोग सोच रहे थे क्या नाम रखें, हम नवंबर भी रख सकते थे फिल्म का नाम, दिसंबर भी रख सकते, बट मुझे लगा कि अक्टूबर इज एन एप्ट नेम। कुछ लॉजिक्स हैं फिल्म के अंदर जो देखेंगे आप, तो आप जब देखेंगे तो फिर उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज मैं ऐसे बोल दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या रिलेशन है, अनलेस कि आप उस पूरे प्रोसेस में जाएं। पर आज सिर्फ एक ही गाना लॉन्च किया है, और कितने गाने हैं इस फिल्म में और कब तक लॉन्च किए जाएंगे? और भी दो गाने हैं, आई थिंक आज जूक बॉक्स आज आ जाएगा, आज या कल, तो उसमें सारे गाने आ जाएंगे। दो गाने अभी लॉन्च हो गए, ये और ये। तो पहला गाना जो निकला है जो अभिषेक और अरमान का गाना है, ये अनुपम रॉय और ये अनुपम रॉय राज, सो ये दो गाने। एंड अक्टूबर थीम भी ऑलरेडी लॉन्च हो गया, शांतनु मोहित्रा का एक और गाना है जो सुनिधि चौहान के साथ है, वो भी आने वाला है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है वरुण? मेरा मुझे ठहर जा बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे लिए ठहर जा? साल बदला हाल बदला तेरे आने से जिंदगी का ख्याल बदला तेरे आने से जरा जरा सा रहने लगा मैं ठहर जा। एज एन एक्टर सुजीत जी के साथ काम करने में वरुण धवन अब अपने आप को खुद कहाँ देखते हैं? मैं ये बोलता हूँ जब आप स्टार कास्ट बोलते हो तो स्टार ही है, कास्ट ही है। थैंक यू वरुण। आ जाओ।
चप्पल छोड़ दे भाई, नाम बताओ भाई, पिक्चर तो पॉपकॉर्न एक मिनट भाई, हो गया दोस्त भाई, यार माइक निकाल दो सर, एक्सक्यूज मी सर।